विद्युत उपकेंद्र हरिहरपुर उपखंड अधिकारी कैंट लखनऊ में संविदा निविदा कर्मी जो कि वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइजेज इंदौर के टेंडर में कार्य कर रहा है। कंपनी का टेंडर हुए 3 महीने हो चुके हैं किंतु कंपनी से अभी तक किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र, ज्वाइनिंग लेटर और ना ही आईडी कार्ड कर्मचारियों को दिया गया है जिससे उनकी पहचान हो सके। अभी तक कर्मचारियों को यह भी नहीं बताया गया है कि उनका मासिक वेतन कितना है। कर्मचारियों को अभी तक वेतन भी नहीं मिला है। कंपनी में सेफ्टी किट एवं पीपी किट की भी कोई जानकारी नहीं है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए मितेश पांडे की रिपोर्ट। कभी 5000 भेज रहे हैं, कभी किसी के तौर में 250 रुपये भेज रहे हैं, किसी में 6000 भेज रहे हैं। हम लोग को इससे दिक्कत हो जाएगी। तो आगे कहाँ तक जाने की आपने सोचा हुआ है? सर ये पहला हमारा स्टेशन जो भी होगा, मैं अगर इसके अकॉर्डिंग हमारे अधिकारी सीनियर जो भी हम करेंगे तो कल से बाद अभी अधिकारी को पता चला कि कल से सर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सर। ठीक है, आपका क्या रहना है इसमें? सर जी सैलरी पूरी नहीं दे रहे हैं, ना तो सैलरी के बारे में कोई डिटेल बता रहे हैं कितनी सैलरी है। उनसे पूछो तो सिवाय जो है कहते हैं इतने टाइम फ़ोन क्यों करते हो, रात में 12-1 बजे 11 बजे फ़ोन करके हमसे जानकारी मांगते हैं। सुबह जो हम फ़ोन करते हैं 11 बजे तो हमसे कहते हैं कि ये कोई टाइम है फ़ोन करने का, फिर जो है उल्टी सीधी बातें कहते हैं, फिर फ़ोन काट देते हैं। ठीक है, आपका क्या कहना? हम बस इतना चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमको टाइम पर सैलरी दे और एक डेट सुनिश्चित कर दे कि हम इस डेट में देंगे कि नहीं देंगे। एक डेट बता दे, सैलरी बता दे कि हमारी सैलरी इतनी है तो इतनी सैलरी हमें दे दे कि हाँ, हर बार किसी की 600-6000 आ रही, किसी की 240 आ रही, किसी की 14000, ऐसे नहीं। एक सिर्फ फिक्स सैलरी बता दे और फिक्स डेट बता दे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको इंस्ट्रूमेंट दे दे, आईडी कार्ड दे दे, जो साइट पर जाते हैं दिक्कत होती है कार्य करने में तो उससे दिक्कत नहीं होगी। तो यही चाहते हैं कि वो अपना एक फिक्स टाइम कर दे बस और सैलरी सही टाइम पर देते रहे, काम करें, हम लोग काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, आपको हमारा लाइन मैन 5800 रुपए पे काम कर रहा है यहाँ पे और अभी तक कोई निर्धारित नहीं हुई कितनी सैलरी होनी चाहिए, कुछ नहीं पता है। हमारा अधिकारी भी अभी सही नहीं बता पा रहा कितनी सैलरी हो और इसी के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि हमारी सैलरी और लाइन मैन कुशल अकुशल कितनी सैलरी होनी चाहिए। मैं अमितेश पांडे, एंकर कैमरा मैन अरुण तिवारी जी, मैं मध्यांचल और जैसा कि बताना चाह रहा है कि आज ये कार्य इनके एम्प्लॉई लोग आज 2 दिन से बंद कर रहे हैं और न सही से पेमेंट कर रहा है कंपनी इनकी, ना आई कार्ड ना कुछ इंस्ट्रूमेंट। तो मैं यही वर्तमान जो आयोग में बैठे हुए अधिकारी है कि इनके पास इन्हें 2 दिन के अंदर अधिकारी कोई नहीं आता है तो इनकी जाँच जो कराया जाए और नहीं तो पावर हाउस विद्युत ठप हो जाएगा।